A very good morning, students. Welcome to the online lecture series on remote sensing and GIS. So this is the second lecture on digital image processing. I hope you have understood the concept which I have explained in the previous lecture, that is the digital image processing first part. So in this lecture, let us start with the spatial enhancement. So digital image processing ka ek aur jo topic hai, वो है स्पेशियल एनहांसमेंट। अब हमको स्पेशियल एनहांसमेंट के बारे में समझना है, ठीक है? तो स्पेशियल एनहांसमेंट में सबसे पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशियल एनहांसमेंट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड लाइक दिस, दिस इज वन इमेज, एक यहाँ पे आपका इमेज है एंड यहाँ पे इसके कुछ पिक्सल्स हैं, राइट? हियर यू हैव सम पिक्सल, यू कैन सी दीज आर एक्चुअली योर पिक्सल्स, ठीक है? दीज आर योर पिक्सल, सो यू हैव वन इमेज एंड दीज आर सम पिक्सल, ठीक है? और ये जो पिक्सल है ये क्या है? दे आर नथिंग बट दे आर द डिजिटल नंबर, ठीक है? मैं बार बार बोलता हूं कि ये जो पिक्सल्स हैं ये क्या होते हैं? ये होते हैं आपके डीएन नंबर, ठीक है? वॉट एवर वी डू इमेज प्रोसेसिंग वी ऑलवेज डू विद द डिजिटल नंबर, तो हम जो भी इमेज प्रोसेसिंग करते हैं वो हम डिजिटल नंबर के साथ ही करते हैं। एंड दीज फिगर विच आर विजिबल टू अस थ्रू सम स्क्रीन और मॉनिटर, दैट इज ओनली फॉर द विजुअलाइजेशन पर्पस, ठीक है? लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, वी आर बॉदर्ड अबाउट द डिजिटल नंबर इन टर्म्स ऑफ डिजिटल नंबर रिफ्लेक्टेंस एमिटेंस और स्कैटर्ड वैल्यू। सो हियर व्हाट वी मीन बाय स्पेशियल एनहांसमेंट, तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो यही है कि स्पेशियल एनहांसमेंट से हम क्या समझते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि फर्स्ट पिक्सल ऑफ दिस इमेज एंड व्हाट इज द लास्ट पिक्सल ऑफ दिस इमेज, सो हाउ टू डिफाइन द फर्स्ट एंड लास्ट, ये हमारा टास्क है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सेट अवर ओरिजिन समवेयर, सो सपोज ये हमारा एक ओरिजिन है, ये हमें फर्स्ट और लास्ट को अगर डिफाइन करना है कि हमारा ये फर्स्ट है ये लास्ट है, उसके लिए हमें एक ओरिजिन पॉइंट डिसाइड करना पड़ेगा। तो हमने एक ओरिजिन पॉइंट डिसाइड किया और उसका कार्टेशियन वैल्यू दिया 1, 1, ठीक है? सो लाइकवाइज वी विल मूव एंड वी विल फाइंड आउट व्हाट इज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर दिस पर्टिकुलर लास्ट पिक्सल ऑफ दिस इमेज। फिर हम देखेंगे कि इस लास्ट पिक्सल के लिए, पर्टिकुलर लास्ट पिक्सल के लिए हमारा कार्टेशियन पॉइंट क्या है। So here one thing is to remember that every pixel or every digital number is having three values, ठीक है? सारे pixel और सारे digital number के पास तीन values है। One pixel is having three values, two are like, एक होता है आपका latitude, ठीक है, LAT, latitude, फिर है आपका longitude, LONG, longitude, तो एक हो गया latitude, दूसरा हो गया longitude और तीसरा है डिजिटल नंबर, और वो डिजिटल नंबर किस टर्म्स में है, रेडियंस रिफ्लेक्टेंस एमिटेंस और बैक स्कैटर्ड एनर्जी। इतनी बात आपको समझ में आती? लेकिन बट इट इज हैविंग थ्री वैल्यूज, तो एक्स एंड वाई आर बेसिकली द लोकेशन, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या हुआ, एक्स और वाई, तो ये तो आपका लोकेशन हो गया, ठीक है, फॉर दिस पर्टिकुलर पिक्सल। सो इन दिस केस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट the spatial enhancement, we always take care of their location. So if you are not take caring of the location, that means it will not qualify this for this spatial term. ठीक है? तो जब भी हम spatial term की बात करेंगे तो उसमें location आपका involve करेगा ही करेगा। Spatial enhancement की जब हम बात करते हैं तो इसका अगर मैं definition से बात करूं तो देखो ये एक technique है जिसको हम यूज करते हैं टू मॉडिफाई द वैल्यूज ऑफ अ पर्टिकुलर पिक्सल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सराउंडिंग पिक्सल, ठीक है? उस पर्टिकुलर पिक्सल की वैल्यूज को मॉडिफाई करता है किसके बेसिस पे, सराउंडिंग पिक्सल यानी कि नेबरहुड पिक्सल्स के कंपैरिजन में, ठीक है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट और व्हेन वी आर गोइंग टू टारगेट अ पिक्सल, जब भी हम किसी भी पिक्सल को टारगेट करते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ एनहांसमेंट, हम क्या करते हैं,
वी हैव टू डू इट विथ रिस्पेक्ट टू देयर सराउंडिंग पिक्सल, हमें उसको हमेशा सराउंडिंग पिक्सल के ही रिस्पेक्ट में काम करना है. सो इन अदर वर्ड नेबरहुड ऑपरेशन, राइट? सो दिस एनहांसमेंट इज परफॉर्म व्हेन द स्पेशियल फ्रिक्वेंसीज ऑफ द इमेजेस आर हाई, जब आपके स्पेशियल फ्रिक्वेंसीज जो है इमेजेस की हाई है. तो यहाँ पे ये देखो व्हाट वी मीन बाय स्पेशियल फ्रिक्वेंसी. तो हम स्पेशियल फ्रिक्वेंसी से क्या समझते हैं, मैंने बोला ना कि ये सब परफॉर्म करते हैं जब स्पेशियल फ्रिक्वेंसी जो है वो हाई हो, लेकिन यहाँ हम स्पेशियल फ्रिक्वेंसी से समझते क्या है, ठीक है? तो फ्रिक्वेंसी ऑफ चेंज इन द डीएन वैल्यू पर यूनिट डिस्टेंस, ठीक है? जो डीएन वैल्यू में जो फ्रिक्वेंसी चेंज हो रही है पर यूनिट डिस्टेंस फॉर अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ एन इमेज. सो इफ दिस इज योर इमेज, ठीक है, ये हमारा एक इमेज है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली पर्टिकुलर पोर्शन और पर्टिकुलर एरिया ऑफ दैट इमेज, ठीक है, नॉट फॉर द इंटायर इमेज. तो हम एक पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर पोर्शन की बात करते हैं, इंटायर इमेज की बात नहीं करते हैं. सो दिस इज टू रिमेंबर. सो हाई फ्रीक्वेंसी, व्हेन वी से हाई फ्रीक्वेंसी इमेज, राइट? सो हियर रफ टेक्सचर्ड एरिया ऑफ एन इमेज वेयर चेंजेस इन टोन ओवर अ स्मॉल एरिया आर एब्रप्ट एंड हाई फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स दिस इज माई इमेज एंड इट इज हैविंग दिस काइंड ऑफ लाइक बिहेवियर, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हियर ईदर वी विल हैव दिस, लेट अस अज्यूम दिस बोलियन इमेज. बोलियन इमेज को हमने ये 0 1 0 1 0 1, ठीक? सो हियर द फ्रिक्वेंसीज आर वेरी हाई, यहाँ पे फ्रिक्वेंसीज काफी हाई है, राइट? एंड इन केस ऑफ लो फ्रिक्वेंसी इमेज व्हाट हैपेंस, इट्स स्मूथ टेक्सचर एरिया ऑफ एन इमेज विथ लिटिल वेरिएशन इन इन इट्स टोन ओवर सेवरल पिक्सल हैव लो फ्रिक्वेंसी. सो दिस इज एक्चुअली चेंजिंग और इट इज क्लासिफाइंग द इमेज इन टू टू ग्रुप, फर्स्ट वन इज हाई फ्रिक्वेंसी और दूसरा है लो फ्रिक्वेंसी. अगर हमको कोई और एग्जाम्पल देखना हो, लेट अस सी सम एग्जाम्पल. सो एक एग्जाम्पल मैं आपको उसके लिए दिखाऊंगा, ठीक है? सो लेट अस सी सम एग्जाम्पल, सी दिस एग्जाम्पल. सो इस एग्जाम्पल में वेयर द टोन्स आर चेंजिंग एब्रप्टली, जहां पे टोन आपका एब्रप्टली चेंज हो रहा है, और सेकेंड इमेज में क्या हो रहा है, इट इज चेंजिंग स्लोली. यहाँ आप चेक कर सकते हो, ये एब्रप्टली चेंज हो रहा है और ये स्लोली चेंज हो रहा है, ठीक है? सो हियर दिस इज एब्रप्टली एंड दिस इज स्लोली. सो विच वन विल बी द हाई फ्रिक्वेंसी इमेज, कौन सा होगा? ये वाला अनडाउटेडली, दिस वन, राइट? एंड दिस विल बी द लो फ्रिक्वेंसी. क्लियर है सबको? अब देखो, नाउ जब आपको ये समझ में आ गया कि चेंज एब्रप्टली हो रहा है, तो वहां से हाई फ्रिक्वेंसी और लो फ्रिक्वेंसी हमने डिस्क्रिमिनेट कर लिया. अब दूसरी चीज जो हमारे दिमाग में है वो है स्पेशियल फिल्टरिंग. तो अगला जो टर्म है वो है कि स्पेशियल फिल्टरिंग से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशियल फिल्टरिंग. तो अगर इसका लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड अगर हम इसके डेफिनेशन पे जाएं, तो फिल्टरिंग एक प्रोसेस है ऑफ कैटेगराइजिंग एन इमेज इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेशियल फ्रिक्वेंसीज, लाइक इट इज अ प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग द सर्टेन स्पेशियल फ्रिक्वेंसीज टू एम्फसाइज ऑन पर्टिकुलर इमेज एलिमेंट और फीचर, ठीक है? तो फिल्टरिंग क्या है, एक प्रोसेस है, क्या कैटेगराइज करता है, एन इमेज इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेशियल फ्रिक्वेंसीज. ये कौन सा प्रोसेस है, मॉडिफाइंग द सर्टेन स्पेशियल फ्रिक्वेंसीज टू एम्फसाइज अ पर्टिकुलर इमेज एलिमेंट और फीचर, ठीक है? देखो यहाँ पे बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, हम क्या करते हैं कि वी आर आइडेंटिफाइंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्पेशियल फ्रिक्वेंसीज, ठीक है, विच वी वॉन्ट टू हाईलाइट और इधर सप्रेस और इनहेंस बाय यूजिंग सम फिल्टरिंग मैकेनिज्म, जिसको हम मॉडिफाई करना चाहते हैं, या तो सप्रेस करके या तो इनहेंस करके. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ डी एम्फसाइजिंग, ठीक है? इसको हम डी एम्फसाइजिंग भी कहते हैं, सर्टेन फ्रिक्वेंसीज एंड एम्फसाइजिंग द अदर, ठीक है? जिसमें हम कुछ को डी एम्फसाइज करते हैं और कुछ को एम्फसाइज करते हैं. सपोज हमारे पास एक एरिया है और आप हाईलाइट करना चाहते हो उसके पर्टिकुलर पोर्शन को, तो क्या होगा, दिस विल गेट इनहेंस बट दिस विल गेट सप्रेस, ठीक है? देख लो, ये वाला पार्ट जो है ना,
इसमें एक पार्ट इनहेंस हो जा रहा है और अगला पार्ट क्या हो रहा है यहाँ पे सप्रेस हो जा रहा है. तो एक पार्ट इनहेंस हो रहा है और एक पार्ट क्या हो रहा है सप्रेस हो रहा है. तो इट इज वर्किंग इन बोथ द डायरेक्शन. तो दोनों डायरेक्शन में ये काम कर रहा है. इट इज यूजली परफॉर्म्ड ओवर अ स्मॉल एरिया दैट इज बेस्ड ऑन द सराउंडिंग पिक्सेल्स टू अवॉइड यूबिक्यूटी. ठीक है, क्यों? बिकॉज इन अ बिग इमेज देर आर मेनी पोर्शन एंड देयर स्पेशियल फ्रीक्वेंसी और देयर फ्रीक्वेंसी विल बी डिफरेंट. उनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी. तो इफ यू आर यूजिंग अ सिंगल लॉजिक, अगर आप सिंगल लॉजिक का यूज कर रहे हैं, अगर आपको पूरे इमेज को इनहेंस करना है और आप सिंगल लॉजिक का यूज कर रहे हैं, ठीक है, इट मे नॉट वर्क. वो वर्क नहीं करेगा, कभी कभी ऐसा हो सकता है. बट इफ यू सेलेक्ट अ सर्टेन पॉकेट, अगर आप कुछ सिलेक्टेड पॉकेट को सेलेक्ट कीजिए, सर्टेन स्मॉल एरिया को सेलेक्ट कीजिए और आप एक लॉजिक को अप्लाई करेंगे, तो फिल्टरिंग अ लॉजिक देन दिस इमेज, मतलब इसका जो आउटपुट इमेज होगा वो बहुत अच्छा होगा. इस किसके कंपैरिजन में इट विल बी अ गुड इमेज इन कंपैरिजन टू इट्स रॉ इमेज. ठीक है, आई गेस आपको इतनी बात तो क्लियर हो रही है. ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है. अब देखते हैं कि स्पेशल फिल्टरिंग और हमें क्या देता है. ठीक है, तो इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं. ये देखिए, स्पेशल फिल्टरिंग हमें कैसे हमारी सहायता करता है. एक्चुअली क्या करता है वो आइडेंटिफाई करता है डिजायर्ड इंफॉर्मेशन को बाय एनहांसिंग द सर्टेन फीचर इन द इमेज, जैसे कि एजेस. ठीक है, तो स्पेशल फिल्टरिंग क्या करता है, इट हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन बाय एनहांसिंग द सर्टेन फीचर्स इन द इमेज. ठीक है, जैसे कि एजेस. तो ये फिल्टरिंग का एक प्रोसेस है जिसमें ये डिजायर्ड इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करता है, सर्टेन फीचर्स इमेज में जो सर्टेन फीचर्स हैं उनको एनहांस करता है. जैसे मान लो एजेस है. ठीक है, तो लेट अस टेक एक एग्जांपल कर लेते हैं. मान लो हमारे पास एक सिटी है मुंबई. तो एक हमारे पास होल इमेज है मुंबई का और आप उसको हाईलाइट करना चाहते हैं. यू वॉन्ट टू मैप ऑल दी मेजर रोड. आप वहां पे मान लीजिए हमारे पास एक मैप है. ठीक है, तो हमारे पास मुंबई का पूरा है, लेकिन हम उसमें से जो उसके मेजर रोड हैं उसको हम क्या करना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू हाईलाइट दी, यू वॉन्ट टू मैप ऑल दी मेजर रोड. ठीक है, तो रोड विल बी रनिंग पैरेलल टू ईच अदर. ठीक है, रोड क्या होंगे, वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे. ठीक है, सॉरी, मतलब आपको चाहिए कि आपको मेजर रोड चाहिए. रोड जो है दे आर रनिंग पैरेलल टू ईच अदर और सम टाइम दे विल बी क्रॉसिंग टू ईच अदर. ये तो आपको क्लियर है, कभी आपको पैरेलल भी मिलेंगे, कभी आपको क्रॉस करते हुए मिलेंगे. कुछ हाईवे नेशनल हाईवे होंगे, कुछ स्टेट हाईवे होंगे, कुछ आपका कच्चा रोड होंगे. तो ये सारे आप मैप करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे, बिकॉज आपके पास क्या है, यू जस्ट कंसिडर ऑल अदर एरियाज, राइट? एंड विथ रिस्पेक्ट टू दैट, हाउ वी आर आइडेंटिफाइंग दिस पर्टिकुलर रोड, बिकॉज इन द बाउंड्री ऑफ दिस पर्टिकुलर रोड द कंट्रास्ट और द ब्राइटनेस इज चेंजिंग एब्रप्टली. ठीक है, आपका जो ब्राइटनेस है और जो कंट्रास्ट है वो एब्रप्टली चेंज हो रहा है, लेकिन अदर एरियाज में इट इज चेंजिंग स्लोली. तो आप मैप कैसे करोगे, तो सपोज मैंने एक फिगर को ड्रॉ किया, नॉर्मल फिगर है. एंड वाई वी आर गेटिंग दिस पर्टिकुलर परसेप्शन, बिकॉज दैट इज सम काइंड ऑफ हाउस और समथिंग, बिकॉज ऑफ दीज लाइन्स. तो दीज लाइन्स जहां पे इंटेंसिटी आपकी एब्रप्टली चेंज हो रही है, तो फिल्टरिंग जो है एक मैकेनिज्म है और एक लॉजिक है जो कि आइडेंटिफाई करेगा आपके एजेस को. तो एक एग्जाम्पल ये हो गया. तो इफ यू वॉन्ट टू हाईलाइट और यू वॉन्ट टू मैप द रोड फ्रॉम अ सैटेलाइट डेटा, यू कैन सिंपली यूज अ फिल्टरिंग मैकेनिज्म और फिल्टरिंग एल्गोरिदम एंड देन यू कैन इजली मैप द रोड. तो आप इजिली एजेस को आपने फाइंड आउट कर लिया, अब आप मैप कर सकते हो रोड को. लाइकवाइज देयर आर मेनी अदर एग्जाम्पल, जैसे फिल्टरिंग हम किस में अप्लाई करते हैं, इट इज ऑल्सो अप्लाइड टू स्मूथन और रिमूव द नॉइस. नॉइस को भी आपको स्मूथ करने और उसको रिमूव करने के काम आता है. ठीक है, ये इसका दूसरा एप्लीकेशन है. यू मे ऑल्सो रिमेम्बर, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि समटाइम्स क्या होता है कि वी गेट पिक्सल विद बैड वैल्यू. ठीक है, राइट? एंड इफ यू मिस टू करेक्ट दोस पिक्सल बैड वैल्यूज देन, और इफ इफ इट इज ओनली वन और टू पिक्सल विच वॉज नॉट विजिबल विथ योर आईज एंड यू कैन नॉट फाइंड दैट,
देन इफ यू अप्लाई दिस फिल्टर सो डेफिनेटली व्हाट विल हैपन, क्या होगा, दिस विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम. लेकिन एक चीज याद रखना, सारे एल्गोरिदम कैन नॉट गिव यू द रियल वैल्यू. आपके पास कुछ एस्टिमेटेड वैल्यू है, तो ये एस्टिमेटेड वैल्यू कैन नॉट बी यूज फॉर एनी क्वांटिटेटिव एनालिसिस. क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए हम कभी यूज नहीं करते हैं, और इन योर क्वांटिटेटिव रिसर्च. सो देयर आर जस्ट वेट अ सेकेंड. तो मैंने अभी आपको बताया ना कि इसको हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में नहीं यूज करते हैं, ठीक है. सो दीज आर फॉर क्वालिटेटिव, ठीक है, इतनी बात समझ गए. नाउ हियर इट इज आल्सो यूज्ड फॉर स्मूथन एंड रिमूव दी नॉइज, ठीक है. यहाँ पे आप देखिए ना, इसको हम स्मूथ करने के लिए और नॉइज को रिमूव करने के लिए भी यूज करते हैं. नॉइज आई हैव गिवन दिस एग्जाम्पल एंड स्मूथन. सपोज आपको मैप करना है फॉरेस्ट एरिया, होल इंडिया का आपको फॉरेस्ट एरिया का मैपिंग करना है, ठीक है, फॉरेस्ट एरिया का हमको मैपिंग करना है, होल इंडिया का, पैन इंडिया का, ठीक है. इसको समझने की कोशिश करो. सो देन आप क्या कर सकते हो, ठीक है, आप एक एग्जांपल ये ले लीजिए, ठीक. लेट अस टेक दिस एग्जांपल. अब इसमें हमको करना क्या है, यू हैव हाई रेजोल्यूशन इमेज, ठीक है, लेट अस से 1 meter रेजोल्यूशन, ठीक है, विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू मैप द फॉरेस्ट एरिया, ठीक. सो देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्मूथन द इमेज. आप इमेज को स्मूथ करेंगे सो योर डेटा विल बी ऑफ लेस फाइल साइज. So such thing you have to take care when you are working with the data for a particular objective. So next point is various type of filters are applied for spatial enhancement based on the requirement of the interpreter or feature to be extracted. So ये आपको हमेशा याद रखना है कि based on the requirement and based on the interpreter or based on the application, so what exactly you want to identify. फिल्टर जो है वो एक अल्गोरिदम है जो फिल्टरिंग फॉर फिल्टरिंग विच इज कंपोज्ड ऑफ द मास्क विंडो, कन्वोल्यूशन विंडो, कर्नल एज वेल एज वेट कोफिशिएंट और कांस्टेंट, ठीक है. सो हाउ वी विल अप्लाई दिस, सो दैट वी विल सी इन सब्सिक्वेंट स्लाइड. अब देखो वेट करो, ये देखिए, लेट अस स्टार्ट दिस नेबरहुड ऑपरेशन. नेबरहुड ऑपरेशन को समझते हैं. बेसिकली हम क्या समझते हैं इस नेबरहुड ऑपरेशन से इमेज के टर्म्स में, इसके लिए मुझे एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा. मैंने ये एक एग्जाम्पल आपके लिए लिया है, ये इस एग्जाम्पल से आपको समझना पड़ेगा. वेयर वी हैव एन इमेज, यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जेड तक है, आर दी डिजिटल नंबर, ठीक है, और दी ब्राइटनेस वैल्यू ऑफ दिस इमेज, ठीक है. So these are the associated values and here basically we are looking at the matrix. यहाँ matrix को देख रहे हैं. So here the size of this image is 5x5. यहाँ size क्या है आपके इस matrix का, ये देखो ना, 5x5 क्या हो गया, 5x5. यहाँ तक चीजें clear है. Now we have to find out, we have to enhance the value of this x value, x pixel. Where is, मान लो ये आपका x है, ये है ना अल्फाबेट x. तो हमको करना क्या है, हमको इसका enhance करना है, ठीक है. We have to find out or we have to enhance the value of this x pixel, जो located है center में. अगर ये if it is located somewhere here, अगर यहाँ located हो या यहां लोकेटेड हो, तो क्या होगा, इसका क्या असर पड़ेगा. इफ इट इज लोकेटेड समवेयर एल्स देन सेंटर, इफ इट इज लोकेटेड हियर एंड देयर, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. सो दिस इज द डिटेल ऑफ
ठीक है। अब देखो यहाँ पे पिक्सल और नेबरहुड समझना पड़ेगा हमको। पिक्सल और जो नेबरहुड है, इसको एक एग्जांपल लिया, वेयर यू आर हैविंग एन इमेज, ठीक है, दिस इज एन इमेज एंड यू वांट टू हाईलाइट और यू वांट टू रन द नेबरहुड ऑपरेशन फॉर दिस पिक्सल ए, ठीक। आप इस नेबरहुड जो आपका पिक्सल है इस पी के लिए आपको ऑपरेशन को रन करना है, ठीक है। नाउ लेट अस अज्यूम वी हैव टेकन ओनली दिस पर्टिकुलर विंडो। तो विंडो यहाँ के क्या मतलब है, विंडो मीन दिस इज द एक्सट्रैक्टेड वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया। सो हियर यू विल हैव दिस काइंड ऑफ राइट एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड हियर एंड सेंट्रल द पिक्सल इज ई। अब सेंट्रल में आपका पिक्सल है ई, तो आपके पिक्सल ई के लिए, आपका जो पिक्सल ई है उसके लिए नेबर्स क्या हो गए, ये सारे हो गए अल्फाबेट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। साइज क्या हो गया नेबरहुड का, एम इन टू एन, दैट इज 3x3, ठीक है, फॉर द नेबरहुड ऑपरेशन। ऑड नंबर ऑफ एम इन टू एन आर सेलेक्टेड। सो इफ यू वॉन्ट टू इंक्रीज द नेबरहुड साइज, अगर हमको नेबरहुड साइज को इंक्रीज करना है, आइदर इट विल बी 3x3 और 5x5 और 7x7, सो इट हैज टू बी ऑड नंबर। तो ये हमेशा ऑड नंबर ही होगा, क्यों, बिकॉज क्वेश्चन है क्यों, क्योंकि जो सेंटर है इट हैज टू बी लोकेटेड एट द सेंटर, ठीक है। सो दैट इज द रीजन एंड द टारगेट पिक्सल विल ऑलवेज लोकेटेड एट द सेंटर। डिस्टेंस बिटवीन टारगेट एंड नेबर पिक्सल आर इम्पॉर्टेंट। सो इन केस ऑफ 3x3 मैट्रिक्स, सो दिस नेबरहुड साइज व्हेन वी आर टॉकिंग 3x3 क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, द डिस्टेंस फ्रॉम ई टू दिस पिक्सल ई टू दिस पिक्सल ई एवरीवेयर इट इज सेम एट डिस्टेंस, ठीक है। यहां से जो भी आपका डिस्टेंस है पिक्सल का, ई का, डी से, एस से, ये क्या है, ये बेसिकली सेम है, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट इज 3x3, जब ये 3x3 है ऑल द नेबरिंग पिक्सल आर एट इक्वल डिस्टेंस, बट जब 5x5 है, 7x7 है, हाउ इट विल ग्रो, इट विल ग्रो लाइक दिस फॉर द सेम पिक्सल ई। सो दिस इज इन द केस ऑफ 5x5, और इफ यू फर्दर ग्रो इट विल बिकम 7x7। सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द पिक्सल एंड नेबरहुड कॉन्सेप्ट इन फिल्टर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ले लो 3x3 जो हमारे नेबरिंग पिक्सल्स हैं आर लोकेटेड एट यूनिट डिस्टेंस, राइट, दिस ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन टू यू। तो यहाँ पे अगर आपको समझना है तो ये देखिए, जो आपकी स्पेशियल फिल्टरिंग है इट कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग दी वेट और मल्टीप्लाइंग कोफिशियंट, ठीक है। इसको हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हम वेट से रिप्रेजेंट करेंगे या तो मल्टीप्लाइंग कोफिशियंट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, वी हैव टू अप्लाई सम लॉजिक, हमें कुछ लॉजिक अप्लाई करना है, और हाउ वी विल अप्लाई दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इट। एग्जाम्पल ले लो 3x3 एवरेजिंग द फिल्टर, ठीक है, वी कैन यूज दिस कर्नल, राइट, और दिस इज द ऑल्सो नोन एज वेट और मल्टीप्लाइंग कोफिशियंट, ठीक है। इनको हम वेट भी कहेंगे या तो हम इनको मल्टीप्लाइंग कोफिशियंट भी कहते हैं। इसकी बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। सो जस्ट इमेजिन यू हैव एन इमेज, राइट, ऑफ 3x3 पिक्सल एंड इट इज हैविंग सम वैल्यूज लाइक 20, 30, 40, 30, 60, 20, 15, 18, 9, राइट, एंड यू वॉन्ट टू कैलकुलेट और यू वॉन्ट टू अप्लाई दिस एवरेजिंग फिल्टर। दस इधर या तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा टू दिस पर्टिकुलर इमेज, तो वॉट वी विल डू, वी विल एग्जैक्टली ओवरलैप दिस इमेज पिक्सल विद दिस वेट और मल्टीप्लाइंग कोफिशियंट, राइट, एंड देन वी विल कैलकुलेट द एवरेज। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जितने भी पिक्सल हैं आपके नेबरिंग पिक्सल इंक्लूडिंग द सेंटर वन, जो आपका सेंटर में जो पिक्सल है उसको इंक्लूड करके दे हैव गॉट दी सिमिलर वेटेज, सो दिस विल नॉट चेंज एनी वैल्यू ऑफ द गिवन पिक्सल, ओनली द एवरेजिंग विल बी परफॉर्म। यहाँ पे एवरेजिंग बस परफॉर्म कर रहे हैं, बट दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म, राइट, एंड हियर इक्वल वेटेज टू ऑल नेबर्स हैव गिवन, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज द पिक्सल ऑफ द इमेज विल बी मल्टीप्लाई
विद दी करस्पॉन्डिंग फिल्टर कोफिशियंट, उस फिल्टर कोफिशियंट से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन दी प्रोडक्ट विल बी एडेड. सो दिस देयर इज दी सिंपल लॉजिक फॉर एवरेजिंग, बट हियर ओनली द थिंग वी हैव एडेड इज दी एवरेजिंग फिल्टर, ईदर दिस और दिस, एंड वेयर ऑल द नेबरिंग पिक्सल values are not getting changed and we are simply doing the averaging for this central pixel. So in this case there is a central pixel, this is the, so these are the weight or multiplying coefficient and your image CN values will be different. आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है? आपको यहाँ तक समझ में आया ना कि हम इसको different weight और multiplying coefficient से represent करते हैं, ठीक? यहां तक बात समझे? दो मैट्रिक्स मैंने आपको दिखा दिया, इक्वल वेटेज टू ऑल दी नेबर्स हमने दे दिया. अब अगले साइड में देखते हैं, ये सारी बात हम स्पेशल एनहांसमेंट में कर रहे हैं, फिल्टरिंग में ये सारी बातें हम कर रहे हैं. तो प्रीवियस केस में हमारा क्या हुआ, हमने देखा कि वी हैव सीन दैट वी हैव गिवन इक्वल वेटेज, ठीक है? हमने इक्वल वेटेज दिया और मल्टीप्लाइंग कोफिशिएंट टू ऑल दी नेबरिंग पिक्सल आर सेम. बट हियर व्हाट हैपेंड, जब मैं वेटेज को चेंज करना चाह रहा हूं तो रिड्यूस इन्फ्लुएंस ऑफ नेबरहुड पिक्सल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑलवेज वी डू नॉट गो फॉर दी एवरेजिंग, हमेशा मैं एवरेजिंग के लिए नहीं जा सकते. तो हियर लेट अस सी, दिस इज योर 0.05 0.15, सो व्हाट इज हियर, ठीक है? यहां पे आप देखो 0.05 है और 0.15 है. So we have weightage for all the 3x3 pixel. And here if you see the central pixel, अगर आप central pixel को देखो, यह आपका central pixel है, ठीक है? So central pixel have got the maximum weightage. यहाँ पे central pixel के पास maximum weightage है, क्यों? Because हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू परफॉर्म दिस फिल्टर ऑन दी सेंट्रल पिक्सल, ठीक है? सो द वैल्यू वॉट एवर वी विल गेट दैट विल बी यूज टू रिप्लेस दिस पर्टिकुलर वैल्यू 0.20, ठीक? सो हियर दिस इज दी कोफिशियंट. नाउ हियर यू हैव इमेज, आपके पास एक इमेज है मान लो 3x3, सो x1 एंड x2 विल बी लाइक दैट x6, सो हियर दिस विल बी 3, 4, x5, सो दिस विल बी मल्टीप्लाइड विथ x5. तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x5 से, एंड देन यू विल अप्लाई दिस एंड यू विल टेक द सम. हम इसका फिर सम करते हैं, क्यों सम करेंगे, बिकॉज इफ यू कैलकुलेट ऑल द कोफिशिएंट और द मल्टीप्लिटी फैक्टर्स सो एक्चुअली इक्वल टू 1, सो यू डू नॉट हैव टू डू इट अगेन द एवरेजिंग. दिस इज द वेटेज असाइन टू ऑल द पिक्सल, ऑल दिस पिक्सल image pixel, so here the central pixel is given 20% weightage, ठीक, 0.2, then the neighbors 15% weightage and the diagonal neighbors are given 5% weightage only, ठीक, and note that weights are all positive and sum to unity. हम सब सारे weight को plus करते हैं तो unity आता है values का और सारे positive होते हैं, so it cannot be negative and it cannot be more than 1. So that is the basic concept here, that whatever design you want to have for your kernel or the weightage that you can follow, but it has to be positive weightage and the total sum of the weightage, it should be equal to 1. That is the criteria for these filters. ठीक, इसी बात आपको समझ में आ रही है? Central pixel को हमने कितना दिया, 20% weight, neighbors को हमने 15% weight दिया, diagonal neighbors को हमने 5% weight दिया. नोट ये करना है कि वेट्स आर ऑल पॉजिटिव एंड सम टू यूनिटी, मतलब जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये इसकी वैल्यू यूनिटी होनी चाहिए. आई गेस यहां तक आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी. अगला पार्ट है हमारा कॉन्वोल्यूशन. तो हमारा दूसरा पार्ट है वो है कॉन्वोल्यूशन. अब आओ देखते हैं कि लेट अस सी व्हाट इज कॉन्वोल्यूशन. सो इट इज अ वेटेड समेशन ऑफ द इनपुट
प्रोड्यूस दी डिजायर्ड आउटपुट, ठीक है। तो सबसे पहला जो लाइन है वो हमारा यही है, वेटेड सबमिशन ऑफ इनपुट टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड आउटपुट, वेट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। ये आपको पता होना चाहिए कि हम प्रोसेसिंग के टाइम में वेट को नहीं चेंज करते हैं। सो हाउ डू वी परफॉर्म दिस वन, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। इफ द इनपुट शिफ्ट्स इन टाइम और पोजिशन, द आउटपुट ऑल्सो शिफ्ट्स इन टाइम और पोजिशन। अगर हमारा जो इनपुट है अगर उसका टाइम और पोजिशन चेंज कर रहा है तो आउटपुट का भी टाइम और पोजिशन चेंज करेगा। सो हियर व्हाट इट सेज, यू हैव एन इमेज, लेट अस से एक हमारे पास इमेज है 3x3 का, ठीक, राइट। सो यू हैव वेटेज विथ यू दैट यू आर ओवरलैपिंग, ठीक, एंड यू आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू फॉर सेंटर पिक्सल, ठीक है। और अगर आपने पोजीशन को चेंज किया अपने इमेज के, योर वेटेज विल आल्सो मूव टू दैट डायरेक्शन, तो आपका वेटेज भी उस डायरेक्शन में मूव करेगा। यही मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। देन यू विल कैलकुलेट द नेक्स्ट पिक्सल, तब आपको नेक्स्ट पिक्सल कैलकुलेट करोगे। तो लाइक वाइज यू हैव टू कवर द होल इमेज ड्यूरिंग शिफ्ट ऑफ द पोजीशन, प्रोसेसिंग ऑपरेशन विल नॉट बी चेंज। So here, whatever logic you are using, let us assume that averaging. हम assume करते हैं average को. Then you should not change with any other logic for this particular image during this processing. So आपका जो logic है, it will remain constant and it will move only one by one to all the pixels and you will calculate the new values and the older values will be replaced with the new calculated value, ठीक है। The weight used for processing are represented by the term, हम उसको किस term से represent करते थे, filter। So here now we are calling those weightage as filter as together, so it does not matter whether it is 3x3 or 5x5 or 7x7, those are termed as filter। So convolution technique क्या हुआ, तो convolution technique समझने के लिए हमको next slide देखनी पड़ेगी। तो कॉन्वोल्यूशन टेक्निक से क्या समझे आप, तो हियर वी विल शो यू हाउ वी विल परफॉर्म द कन्वोल्यूशन। द मास्क विंडो और द कर्नल इज प्लेस्ड ओवर अ पार्ट ऑफ एन इमेज, ठीक है। द मास्क विंडो और कर्नल इज प्लेस्ड ओवर अ पार्ट ऑफ एन इमेज मोस्ट एसेंशियली फ्रॉम द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। द कन्वोल्यूशन फॉर्मूला ओवर द दैट पार्ट ऑफ इमेज वो कैसे होगा, sum of the weighted product coefficient of mask into raw dn value upon sum of coefficient, okay, so the value that obtained replaces the central value, or the window kya hoga wo automatically next pixel ko shift kar jayega aur processor ye jo hai aapki repeat hogi. So ye jo maine aapko ye example dikhaya hai, this is just to understand how we perform this and then we use this particular logic. The values जो भी हमारे obtain होंगे, it replaces the central values. As I told you that one by one we will calculate for all the pixels and the new calculated value है will be used to replace the older value. ठीक, the window is then automatically shifted to the next pixel and the procedure is repeated. So this is how we are going to cover the whole image. और इस तरह से हम सारे इमेज को कवर करते हैं। तो एक एग्जाम्पल इसके लिए मैंने लिया है, एक एग्जाम्पल ये देखो, यहां पे साइज ऑफ द कर्नल, दिस इज द साइज ऑफ द कर्नल, राइट। सो दिस इज द साइज ऑफ योर कर्नल, यहां पे दिस इज द साइज ऑफ योर कर्नल, ठीक है, ये आपके कर्नल का साइज है। Where x is your central pixel and a b c d f g h i, these all are basically weighted. So now what we will do, first let us decide what size of the kernel you want to apply. So here in this case we are using 3x3, means 1 2 3 4 5 6 7 8 9, so basically this is central position, central pixel position nahi hai, pixel. तो ये जो सेंट्रल पिक्सल वैल्यू है
और जो न्यू वैल्यू है विल बी कैलकुलेटेड नाउ. सो हाउ वी विल डू दैट, लेट अस अज्यूम दैट यू हैव ओवरलैप. यहाँ ओवरलैपिंग हम कर रहे हैं, सो दिस इज द सेंटर पिक्सल. ठीक है, यहाँ पे जो ओवरलैपिंग की है हमने, यहाँ पे एक्स हमारा सेंटर पिक्सल है. Now this is the central pixel. Now using this, let us assume that this is the average filter, right? And you have calculated mu s. So x dash or x1, right? And this is some value. Now you have to move to next pixel. Then again this is your new neighborhood. ठीक है, अब जब आप इसकी तरफ मूव करोगे तो ये x जो है आपका नया neighborhood हो जाएगा. So this central pixel. So again further you will move, again you will calculate the new value. Likewise you will calculate for all the other pixels. Itna to clear hai. The whole process is performed for the entire image pixel by pixel. So here what I mean to say, we have covered this, then we will cover this. Theek hai, hum pehle itna part cover karenge, fir hum jo hai ye part ko cover karenge. Theek hai, then the entire pixel and the new pixel will be used to replace the older pixel value. Lekin just assume ye kariye ki what is happening with the corner pixel. Corner pixel ke sath kya ho raha hai? So here you don't have neighborhood. Theek hai, so all these values are present but these values are not present. So what will happen to this pixel, right? All the corner pixel of the or the boundary pixel, that we will see. तो जो मास्क विंडो है, जो हमारा मास्क विंडो है और जो कर्नल साइज है, इट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट. सो हियर व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, वेदर यू वांट मोर समथिंग और लेस, सॉरी मोर स्मूथिंग और लेस स्मूथिंग, दैट टेल्स यू वेदर यू आर सपोज टू यूज 3x3, 5x5 और 7x7. So the kernel considered should be of odd size. The smallest meaningful size is by 3x3. Then further you can increase it to 5x5. Then 7x7. Like this you can go on. Lekin depending upon your application, you are supposed to use or identify or decide the size of the kernel. The smallest kernel will produce the better result. Lekin it will require more time to process, because we have seen in the last slide that if it is 3x3 moving 1x1, then it will take more time, because the sizes are smaller and then you will require more time. So operating a 3x3 kernel in the image will make the output image 2 rows and 2 columns smaller. Kaise? Because you are going to miss the data for the boundary pixel. So that was the problem जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया. वी विल सी व्हाट आर द सॉल्यूशन. सो द मोर इंफॉर्मेशन विल बी लॉस्ट ऑन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द कर्नल, बिकॉज इफ यू इंक्रीज बाय 7x7, देन व्हाट विल हैपन अगेन, यू डोंट हैव दिस पिक्सेल फॉर द बाउंड्रीज, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन. उसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं. सी दिस, वेट अ सेकेंड, जस्ट वेट अ सेकेंड. तो इसमें वेट, so this is one example.
जहां पे आप 3x3 कर्नल का यूज कर रहे हैं, ठीक है, सी हियर, और 5x5 कर्नल का यूज कर रहे हैं, और 7x7 कर्नल का यूज कर रहे हैं. सो दिस इज द एग्जांपल व्हेन यू आर यूजिंग एवरेजिंग. सो हियर इन 3x3 यू कैन सी डिटेल्स, बट हियर इट इज लिटिल बिट ब्लर्ड. व्हाई? बिकॉज इट हैज बीन एवरेज यूजिंग 5x5. इफ इट इज 7x7 देन अगेन इट इज more blur. Why? Because you are using more pixels, okay, to calculate the average. So the boundaries are the change in the intensity will not be presented. So it is again the inverse relationship between size of kernel and information detail in an image. So here you don't need, here you need to decide, or here you have to do the trade-off which one you will prefer for your application. तो एक और एग्जांपल देखना पड़ेगा. ठीक, सो लेट अस सी फॉर दिस पर्टिकुलर पिक्सल, द बाउंड्री पिक्सल, व्हाट इज गोइंग टू हैपन एंड हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सो टू ओवरकम द बाउंड्री पिक्सल प्रॉब्लम इन कॉन्वोल्यूशन टेक्निक, हमें क्या करना होगा? आइदर वी हैव टू यूज दैट बाउंड्री पिक्सल, और आइदर the copied from the original image. So we will not calculate anything, we'll just copy these values in the output one, because what we are doing, we are calculating these pixels value. Okay, so here in this case only these pixel value will be calculated by using the 3x3, and then all these boundary pixel value will be copied from the original image. That is one solution. Ek to ye solution ho gaya. So that you will have to at least the original data. Agar next one mein aapne duplicate kiya, in the next one duplicate from the slide and then compute it. So duplicate of the slide means this pixel value will be copied here, and then you can calculate this central pixel value. This is another possibility. Aur teesri possibility kya hai? Third possibility is put zero value in the boundary, right, and then calculate the boundary pixel value. These are the three possibilities, but depending upon your application again, or the interpreter, he or she has to identify which method works best for you. So, उसके लिए discrete convolution समझना पड़ेगा. So, discrete convolution में क्या होता है? जो हमारा सारा filter है, all the filter coefficient need not to be equally or symmetric. Need not to be equal or symmetric. पहला part है. ठीक है, उसमें जरूरी नहीं है कि आपके सारे coefficient equal हों या तो symmetric हों. ये बात clear हो गई? इतनी बात clear हो गई आपको? ठीक है. So see, so see, wait a second. So in the previous case, we have seen when we are using the similar weightage for all the pixels, but here it is need not to be equal or symmetric. Pehli cheez clear hai? We can change. The weighted averaging operation will be performed using a discrete convolution procedure. So how will do that? वो हम कैसे करेंगे? वो कैसे करेंगे? तो basic assumption है उसमें. Basic assumption is the process is space invariant. ठीक है? तो ये बहुत important है, space invariant. The filter moves from top left to bottom right, moving one position at a time. For each position of the filter, an output value is computed. So here we are assuming that this process is space invariant and it is going to apply on this particular image. ठीक है, देखो जो filter coefficient है उसको हमें equal रखना है, symmetric रखना है. ठीक है, weighted averaging operation जो है perform करेंगे using a discrete convolution process. बेसिक assumption क्या है? प्रोसेस स्पेस इज इनवेरियंट. ये है आपका फिल्टर मूव फ्रॉम
टॉप टू लेफ्ट बॉटम मूविंग वन पोजिशन एट अ टाइम, ईच पोजिशन ऑफ द फिल्टर एंड आउटपुट वैल्यू इज कंप्यूटेड। तो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब दूसरी चीज है स्पेशियल फिल्टर स्मूदिंग, ठीक है। तो स्पेशियल फिल्टर स्मूदिंग में हम क्या करते हैं, तो इन केस ऑफ स्मूदिंग व्हाट वी डू इज वेटेड एवरेज ऑपरेशन इज रेफर्ड टू एज इमेज स्मूदिंग, ठीक है। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। तो जो वेटेड जो हमारा वेटेड एवरेजिंग ऑपरेशन है उसको हम इमेज स्मूदिंग की तरह रेफर करते हैं। द लोकल डिफरेंसेस बिटवीन पिक्सल्स आर रिड्यूस्ड। देखो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। नाउ द लोकल डिफरेंसेस बिटवीन द पिक्सल्स आर रिड्यूस्ड व्हेन यू आर यूजिंग दिस स्मूदिंग, राइट। हियर यू कैन सी सम एग्जांपल लाइक दिस इज वन रॉ इमेज एंड इफ यू अप्लाई अ स्मूदिंग व्हाट विल हैपन यू कैन सी, आई होप दिस इज विजिबल टू यू। So here the difference in the intensity will be reduced. So see, smoothing क्यों करते क्यों है ये समझना पड़ेगा। Smoothing का मतलब ये हुआ कि हमको noise को reduce करना है। So it is carried out to reduce the noise in an image, integrating spatial and frequency filter, ठीक है। जो क्वालिटी है इमेज का इट कैन बी एनहांस्ड बाय अडॉप्टिंग सच टेक्निक। तो जैसे कि आपका किसी इमेज में अगर नॉइज है तो उसको हम कैसे रिड्यूस करते हैं, स्मूदिंग प्रोसेस से। तो जो क्वालिटी है इमेज का वो एनहांस कैसे होता है, इन टेक्निक्स को अडॉप्ट करके। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशियल फिल्टरिंग क्या है, वो ऑपरेशन कैसे करते हैं। एक स्मूदिंग स्पेशियल फिल्टर है और दूसरा शार्पनिंग स्पेशियल फिल्टर। So the spatial filtering techniques are operated at pixel level by moving the filter mask. So smoothing spatial filter are often used for noise reduction generated from the influence of cloud, aerosols and other factors. ठीक है, तो noise reduction के लिए हमारे लिए सबसे useful technique है वो है spatial filter, that is using smoothing. और कौन कौन सा है, smoothing spatial filter and शार्पिंग स्पेशल फिल्टर। कितनी चीजें क्लियर हो गई, नाउ जब क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं तो इसको हम दो वे में क्लासिफाई करते हैं, दो ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं। एक है आपका लीनियर स्मूथिंग स्पेशल फिल्टर और दूसरा है नॉन लीनियर स्मूथिंग स्पेशल फिल्टर। तो क्लासिफिकेशन इसका है दो ग्रुप्स में, लीनियर स्मूथिंग और नॉन लीनियर स्मूथिंग। लीनियर स्मूथिंग स्पेशल फिल्टर क्या है, दे आर द एवरेज ऑफ द पिक्सल, ठीक है। कंटेन्ड नेबरहुड ऑफ द फिल्टर मास, मतलब आपका मीन, वीनियर और गेशियन फिल्टर, गाशियन फिल्टर सॉरी। तो स्मूदिंग फिल्टर को आप दो तरीके से क्लासिफाई कैसे करते हैं, लीनियर स्मूदिंग स्पेशल फिल्टर और नॉन लीनियर स्मूदिंग स्पेशल फिल्टर। लीनियर स्मूदिंग स्पेशल फिल्टर क्या है, दे आर द एवरेज ऑफ द पिक्सल कंटेन्ड नेबरहुड ऑफ द फिल्टर मास, जैसे कि मीन है, वीनियर है और गाशियन फिल्टर है। सिमिलरली नॉन लीनियर स्पेशल फिल्टर में क्या होगा, ये रैंकिंग के बेस पे होता है, on the ranking of the pixel contained in the image area, जैसे minimum, maximum and median filter, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी चीज है, आपको ये समझ आ गया special filter smoothing। अब है हमारा sharpening। तो sharpening में क्या है, sharpening special filter are used to enhance the detail in an image that has been blurred। तो sharpening का मतलब ये होता है उन image को enhance करता है जो कि आपका ब्लर्ड हो गया। तो ब्लरिंग और शार्पनिंग के बीच में डिफरेंस क्या है, ब्लरिंग एंड स्मूथिंग इज कैरिड आउट बाय द पिक्सल एवरेजिंग इन द नेबर, और शार्पनिंग जो है वो क्या है, इट इज अ इनवर्स प्रोसेस टू फाइंड द डिफरेंस बाय द नेबरहुड यूजिंग द स्पेशियल डिफरेंशिएशन। जैसे लैप्लासियन मास्क है, अनशार्प मास्क है, ग्रेडियंट मास्क है, हाई बूस्ट फिल्टरिंग है।
तो शार्पनिंग का मतलब हो गया, शार्पनिंग स्पेशल फिल्टर का मतलब हो गया, ये इमेज के डिटेल को इनहांस करता है जो कि आपके ब्लर हो चुके। तो ब्लरिंग और शार्पनिंग में जो डिफरेंस है वो ये है कि ब्लरिंग और स्मूथिंग इज कैटेगराइज सॉरी इज कैरीड आउट बाई दी पिक्सल एवरेजिंग इन दी नेबर, और जो शार्पनिंग है इट इज एन इनवर्स प्रोसेस टू फाइंड द डिफरेंस बाय द नेबरहुड यूजिंग द स्पेशियल डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जाम्पल है आपका लैप्लासियन मास्क, अनशार्प मास्क, ग्रेडियंट मास्क, हाई बूस्ट फिल्टरिंग, ठीक है। तो ये हो गया शार्पनिंग। तो अब हम बात करेंगे व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ स्मूथिंग। ओके, अब इस स्लाइड में हमको ये देखना है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ स्मूथिंग ऑन इमेज, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। एक ये एग्जांपल है, सो हियर व्हेन वी आर यूजिंग 3x3, ठीक है, ये एक एग्जांपल है, व्हेन वी आर यूजिंग 5x5 एंड दिस इज द एग्जांपल व्हेन वी आर यूजिंग 7x7, सो हियर व्हाट इज हैपनिंग, बेसिकली वी आर लूजिंग द एजेस, ठीक है, यहाँ पे हम एजेस को लूज कर रहे हैं, ठीक है ना। So, pixel intensity variation are getting reduced. So, when you are having very less difference in the pixel values, वहाँ पे क्या होगा? You will have a smoothing effect. This is what evident from this particular image. ठीक है? देखो, filter जो है, मैं तुमको दिखाता हूँ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जो filter है, तो filter में भी दो तरह का है. So, in filter, we have low pass filter और हाई पास फिल्टर, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लो पास फिल्टर, व्हाट डू यू मीन बाय लो पास फिल्टर। तो लो पास फिल्टर क्या है कि इट ब्लॉक्स ऑल दी हाई फ्रीक्वेंसी डीएन वैल्यू, ठीक है, ये जो डिजिटल नंबर्स होते हैं हाई फ्रीक्वेंसी के, उन सबको ये ब्लॉक कर देता है। तो हाई फ्रीक्वेंसी डिटेल्स का मतलब ये हुआ द इमेज यू हैव राइट, सो देयर विल बी फ्यू डीएन वैल्यूज which will occur very frequently, ठीक है, so those DN numbers are basically high frequency DN values, वो कौन से हैं, वो high frequency DN values हैं, so those will be blocked here, अब जो result है, ठीक है, then it results a smoothing effect on the image, so here first you need to find out high frequency DN values and low frequency DN values and then you have apply low pass filter, then all the high frequency values which will be suppressed and low frequency values will be passed, so your image will have different output than your input image, that we will see some of the example and it is aur iski zarurat kahan padti hai, it is used to remove the noise, kyun, because in between if you have one or two pixel ya aapke paas ek pixel hai ya to do pixel hai which have bad data or bad value, then those pixel will be corrected because it is having the smoothing effect and it is always preferred in salt and pepper noise. So some of the time in your image, you may find there are few pixels with bad values, thick, and it is something like you are putting salt and pepper in a white paper, thick. So those effects will be removed when you are running the low pass filter and may result blurring of the image, especially at the edges. So, ये एक low pass का limitation है, low pass filter का एक limitation है, लेकिन again, we can overcome from this problem by using the original image DN values in the boundary pixel, ठीक है, and there are different methods which have already been covered. और अगला जो आपका था, वो था high pass filter. तो high pass filter में क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि इट विल अलाउ दी हाई फ्रीक्वेंसी डीएन वैल्यूज, ठीक है, इट विल अलाउ दी
हाई फ्रीक्वेंसी डीएन वैल्यूज एंड इट विल सप्रेस द लो फ्रीक्वेंसी डीएन वैल्यूज. तो वहां पे क्या होगा, व्हाट विल हैपन, इट विल बी द इनवर्स ऑफ योर लो फ्रीक्वेंसी और लो पास फिल्टर. सो इट प्रिजर्व हाई फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट इट इज डूइंग, इट इज रिमूविंग स्लोली वेरिंग कंपोनेंट. ठीक है, सो इट विल रिमूव और इट विल सप्रेस इट. और नेक्स्ट आपका एम्फेसिस क्या है, ऑन द फाइनल डिटेल, बिकॉज वहां पे जो हाई फ्रीक्वेंसी डीएन वैल्यूज है आर द डीएन वैल्यूज विच आर फाउंड इन द बाउंड्री और एजेस. ठीक है, so if you have preserved your edges, you will have more detail about the data, that we will see that there are many other filters which are used for the edge detection and enhancement. So edges are the location, edges kya hote hain, edges are the location where the transition from one category to other occurs. So basically I told you that मैं जब एक लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ, हाउ वी आर परसुइंग दिस लाइन, बिकॉज देयर इज अ सडन चेंज इन द इंटेंसिटी फ्रॉम दिस टू दिस, राइट. सो अलोंग दिस लाइन द इंटेंसिटी ईदर इट इज इंक्रीज और डिक्रीज एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली वी आर परसीविंग दीज एजेस. एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ. नाउ लेट अस सी सब एग्जाम्पल ऑफ लो एंड हाई पास. सो दिस इज द रिजल्ट फ्रॉम लो पास फिल्टर. ये आपका जो एक इमेज है, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एक लो पास फिल्टर है, और इधर जो आपका राइट हैंड साइड है ये हाई पास फिल्टर का रिजल्ट है. ठीक है, ये आपको एक लो पास है और एक हाई पास फिल्टर है. तो जैसा हमने डिस्कस किया था प्रीवियस स्लाइड में, हाई पास फिल्टर जो है वो एजेस को प्रिजर्व करेगा. So, it is a better when you are going to study or when you are require the edges of your study area, you are supposed to use this high pass filter where all these edges are preserved and enhanced and all other information are suppressed. Lekin yahan pe kya ho raha hai? But here what is happening? Your image is getting blurred. Aapki image blurred ho rahi hai. Theek hai na? Because of the effect of the smoothing. So this is the another example from low pass filter, and this is the Gaussian low pass filter. Okay. So here in the low pass filter, basically we are allowing the low frequency DN values to pass, and high frequency DN values are suppressed. But in Gaussian low pass filter, the basic assumption is your low frequency DN values are equally distributed in your image. Then only it will give you good result, but in case if all the low frequency DN values are concentrated in this particular area and then you are applying this Gaussian low pass filter, then the result may give you wrong information. Theek hai. So let us see a comparison. So this comparison we can see when we are comparing the spectral profile of the same pixel with low pass filter
and another in the Gaussian low pass filter. So here in the low pass filter, basically this particular P, यहाँ पे जो आप particular P can see in any of the band, this is preserved here. But here when we are applying the Gaussian low pass filter, this is basically disappeared. So what, why it happened? Because my image was not having Gaussian distribution of low frequency DN value. So you have to be very careful when you are selecting a Gaussian low pass filter for your image. Now in which condition you can apply this Gaussian low pass filter? When your image size is very small, so for big area, it may not work very properly, but in a smaller area, it may give you better results than this the low pass filter. Okay. So what I am going to do, I will just wind up this image enhancement lecture here only. और जो इमेज एनहांसमेंट लेक्चर के जो बचे हुए पार्ट है, जो भी कंटेंट है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा. ओके, आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हो रही हैं, और अगर नहीं हो रही हैं तो आप डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हैं ankur495@gat.ac.in पे, और अपना जो भी कमेंट है या जो भी क्वेरी है आप ड्रॉप बॉक्स में यहाँ पे लिख सकते हैं और मैं उसको सॉल्व करूंगा. ओके, so thank you so much, enjoy the online lecture, and have a nice day. Thank you, best of luck.